हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वैशव पांडे और आप देख रहे हैं बादशाह ब्लॉग चैनल को। सो गाइज, आज मेरा फ्रेंड एक बनारसी गया और मेरा कल से ही तबीयत खराब था और वो बोला मुझसे कि चलो भाई चलते हैं बनारसी, वहाँ पे कुछ वीडियो भी अपना बना लेना, ब्लॉग वगैरह भी कर लेना और घूम भी लेंगे, विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो जाएगा और फन सिटी भी घूम लेंगे। वाटर पार्क जाने का मन था लेकिन सॉरी गाइज, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उसने मेरे लिए वीडियो प्रोवाइड कराया और आप लोगों के लिए भी, तो सोचा मैंने कि एक ब्लॉग बना के आप लोगों को भी दिखा दूं कि वहाँ का फन सिटी वाटर पार्क कैसा है और जाने लायक है कि नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग खुद देख के उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा हर वो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और गाइज मेरे फ्रेंड ने बताया कि वहाँ जाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब फन सिटी जो वाटर पार्क जाना चाहता है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, आप वहाँ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, कपल्स हैं तो कपल्स जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है वहाँ पे। तो गाइज यही था आज का ब्लॉग, और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइज एक और बात, मुझे मेरे भाई ने इस वीडियो को प्रोवाइड करा तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देने के लिए, ताकि मेरे लिए भी कुछ अच्छा हुआ और आप लोगों को लिए भी काफ़ी हद तक यूज़फुल और अच्छा रहा कि आप लोग को पता चला कि कैसा है वहाँ का फन सिटी वाटर पार्क और हम लोग जा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।